शाहरुख के पब की एक वीडियो सामने आ गई है। कल रात इन्होंने गुरुग्राम के एक पब में क्या क्या मस्ती की, पवन के साथ पब में कैसे टाइम स्पेंड किया अरुणता ने, उसकी वीडियो आप खुद देखिए और बताइए आपको अरुणता का ये बदला अंदाज कैसा लगा। पहली बार अरु को डांस करने में मदहोश देखा गया। वीडियो में पहली बार देखा जा रहा है कि अरुणता के आसपास वाइन की बॉटल्स रखी हैं, ग्लास रखे हैं और अरुणता पवन उसी टेबल पर अपना खाना पीना रखकर खा रहे हैं, बैठे हैं। अरुणिता भी इस पब में पवन के साथ हॉट ड्रेस पहनकर पहुंची थी। अरु ने जब पब में गाना शुरू किया तो लोगों की नजरें अरु पर से हटी नहीं रही थी। हालांकि लोग इनकी वहीं तारीफ करने लगे, पवन अरु के लिए तालियां बजने लगी, पूरा पब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। जो लोग नशे में थे उनका नशा भी उतर गया जब अरुणिता की आवाज सुनी। कुछ लोग तो नशे की हालत में अरु से हाथ फुलाने पहुंच गए थे। हालांकि पवन अरु के साथ इनके टीम के दो शख्स भी शामिल थे, लेकिन पब में कुछ लोग इस कदर नशे में धुत थे कि पवन ने वहां से निकलना ही ठीक समझा। कुछ देर तक इन्होंने गाना गाया और जो कुछ इन्हें खाना पीना था इन्होंने खाया पिया और फिर जल्दी यहां से निकल गए। पब से अरु का हाथ पकड़कर पवन ही निकले। उन्होंने अरु को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा। इनकी खूबसूरत फोटो ने लोगों को कॉमेंट करने पर भी मजबूर कर दिया। तो अगर अब तक आपने इन्हें कमेंट नहीं किया तो कम से कम इनकी तारीफ तो कर ही सकते हैं। 28 नवंबर को पवन अरुणिता का लंदन में इवेंट होने वाला था जो किसी वजह के चलते पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये इवेंट अगली साल यानी एक महीने बाद होने वाला है। लेकिन इनके फिर से कनाडा जाने की खबर सामने आ गई है। कनाडा जा नहीं रहे हैं बल्कि कनाडा जाने के लिए टिकट भी बुक हो चुकी है और ये निकल ही रहे हैं। आप जानना चाह रहे होंगे कि ये सब कब हुआ, कब कनाडा जाने, अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला। तो फैंस हम आपको बता दें कि एक दिन बाद यानी कल के बाद वेडनेसडे को ये सब कनाडा के लिए निकल रहे हैं। कनाडा में इनका बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और काफी दिन तक चलने वाला है। क्या कुछ होने वाला है उसकी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर आप भी पवन अरु के फैन और वाकई में इनसे जुड़ी हर खबर जानना चाहते तो उनकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कम से कम उन्हें ऑल द बेस्ट तो बोल ही सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि वेडनेसडे पर इनकी कनाडा की फ्लाइट की खबर कितनी सच है। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में अरुणिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फनी वीडियो शेयर की थी जिसमें वो साइली और एक शख्स के साथ रोड पर बुरी तरह नाच रही थी, खूब मस्ती कर रही थी। लोगों ने एक तरफ उनकी तारीफ की और दूसरी तरफ उनके कनाडा टूर की बात भी पूछी। इस वीडियो पर अरुणिता का तो जवाब नहीं आया लेकिन मोहम्मद दानिश ने जरूर जवाब दिया। मोहम्मद दानिश ने खुद बता दिया कि वो वेडनेसडे को कनाडा ट्रिप को निकल रहे हैं और खूब मस्ती करने वाले हैं, फैंस का खूब एंटरटेनमेंट भी करने वाले हैं। तो आप भी अगर इनके इस नए इवेंट को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट जरूर करें। अरुदेव के दूसरे नए गाने की लॉन्चिंग की तैयारियां हो चुकी हैं। किसी भी वक्त इनका दूसरा गाना लॉन्च हो सकता है। राज सुरानी के स्टूडियो में अरुदेव का ये दूसरा गाना लॉन्च हो रहा है। इससे पहले मंजूर दिल लॉन्च हुआ था और अब राज सुरानी के स्टूडियो से ही इनका ये नया गाना लॉन्च होने वाला है जिसकी जानकारी और गाने से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है। दरअसल कल पवन अरु दोनों राज सुरानी के स्टूडियो में गए थे और यहाँ इन्होंने खूब मस्ती की जिसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। विना और अरुणिता के पवन दोस्तों के साथ मस्ती करते दिखाई दिए। वीडियो में देख सकते हैं कि पवन, दीप, दानिश और टीम के दो शख्स और भी मौजूद हैं जो गाना गाते नजर आ रहे हैं और पवन इनकी गाने में मदद कर रहे हैं, ये वीडियो भी बना रहे हैं। पवन गाने के साथ हुडिंग भी कर रहे हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन वाकई देखने लायक है। पवन को बहुत कम ऐसे मस्ती भरे अंदाज में देखा जाता है। वो कभी गाने को तेज आवाज में गाते हैं तो कभी रुक जाते हैं और रुक रुक कर वो गाना गा रहे हैं, जिस पर दानिश को भी हंसी आती है और ये सब खूब मौज मस्ती करते हैं। हालांकि इनके साथ अरु नजर नहीं आई क्योंकि वो स्टूडियो के अंदर तैयार होने में लगी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले नए गाने में अरुणिता लाल लहंगे में नजर आएंगी और इनका लुक एकदम अलग होगा। वेल, हम सबको अरुदीप के इस नए गाने का इंतजार हो रहा है, तो आप भी अरुदीप को लेकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अरुणिता कांचीलाल का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसने फैंस के दिलों की घंटियां बजा दी हैं। अरुणिता पूछ रही हैं कि दिल देना बुरी भला है क्या, और सिर्फ पूछ ही नहीं रही हैं बल्कि एक्टिंग भी कर रही हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं।
और जिस शख्स से अरुणिता पूछ रही है कि दिल देना बुरी भला है क्या, वो शख्स अरु को देख तक नहीं रहा है, बल्कि उस शख्स का चेहरा भी नहीं दिखाया गया है। अरुणिता उस शख्स को खूब परेशान कर रही है। खास बात, अरुणिता ने इस मौके पर ब्लैक सूट पहन रखा है, तो उस शख्स ने भी ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। वीडियो में अरुणिता ने कमाल की एक्टिंग की है और उनके गाने का तो कोई जवाब ही नहीं, क्या शानदार आवाज में गाती हैं वो। एक तरह से आप अरुणिता को सिंगर और एक्ट्रेस दोनों के रूप में देख सकते हैं। सिंगिंग की दुनिया में तो वो पूरे देश दुनिया की जनता के दिलों को काबू कर ही रही है कि एक्टिंग में भी वो पीछे नहीं है। और क्यूट हरकतें जब अरुणिता करती हैं तब तो कोई जवाब ही नहीं। अरुणिता की कल कुछ फोटोज हमने आपको दिखाई थी जब वो पवन के साथ सेल्फी क्लिक करवा रही थी। सेल्फी लेते वक्त अरुणिता ने चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशन दिए। उसके बाद जब अरुणिता टीम के एक शख्स से मिली तो उसे भी अरुणिता ने परेशान कर दिया और उनके साथ भी अजीब अजीब चेहरे के साथ फोटो क्लिक करवाने लगी। वेल, अरुणिता को अब तक आप कितना जान पाए हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरु के लंदन पहुंचने से पहले कुछ क्यूट फोटो सामने आ चुके हैं जिसमें पवन अरु की नजदीकियां साफ दिख रही हैं। ये लोग काम छोड़कर एक दूसरे के पास टाइम स्पेंड करने पहुंच जाते हैं। जो अब लेटेस्ट फोटो सामने आई है उसमें पवन अरु को बहुत क्लोज होते देखा जा रहा है। ये फोटो लंदन के इवेंट के दौरान की है। ये इवेंट के लिए तैयार हो चुके थे और इन्हें मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देने जाना था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पवन अरु परफॉर्मेंस छोड़कर फोटो में मस्त हो गए। पवन अरु के साथ शायली भी इन दोनों के बीच में चली गई। वो इन दोनों को सेल्फी लेते देखकर खुद को रोक नहीं पाई और पवन अरु के बीच में वो भी खड़ी हो जाती है। फोटो में पवन अरु दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। और फिर अरुणिता ने तो पवन की पसंदीदा साड़ी जो पहन रखी थी, साड़ी में अरुणिता बहुत क्यूट लग रही हैं, आंख बंद करके पोज दे रही हैं। पवन भी अरुणिता को देखे जा रहे हैं। अरुणिता के साथ सेल्फी लेते वक्त पवन के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल भी है। कभी कभी पवन की ये प्यारी सी स्माइल दिखी जाती है, वो भी अरुणिता की वजह से। जी हाँ, अरुणिता के साथ पवन बहुत खुश रहते हैं और आए दिन ये प्यारी प्यारी फोटो शेयर करते रहते हैं। पवन अरु की इस फोटो पर आप क्या कहना चाहेंगे?